हेलो एवरीवन, दिस इज जेके फ्रॉम जेके कुकरी क्लासेस। सो आज हम बनाएंगे कॉफ़ी चॉकलेट शॉट ग्लास डेजर्ट। सो इसके लिए हमें बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है। सो अभी हम हमारा सबसे पहले मूज बनाएंगे। मूज बनाने के लिए हमें पहले गनाश प्रिपेयर करना है, सो हम गनाश बनाना स्टार्ट करेंगे। सो गनाश बनाने के लिए मैंने चॉकलेट लिया है और ये मैंने लिया है अमूल फ्रेश क्रीम। अभी मैं माइक्रोवेव में गनाश बना रहा हूँ, सो मैं क्या करूँगा, मैं माइक्रोवेव कर लूँगा चॉकलेट को 50% मेल्ट होने तक। उसके बाद हम क्रीम को माइक्रोवेव करके चॉकलेट में डाल के मिक्स करेंगे, तो क्रीम की हेल्प हीट से हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। सो मिक्स, जब हम मिक्सिंग करते हैं क्रीम और चॉकलेट को, सो उसे बोलते हैं गनाश। सो हम गनाश बना लेंगे। सो सबसे पहले अभी मैं चॉकलेट को 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लूँगा। सो हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। सो हमें ऐसे 50% ही मेल्ट करनी है चॉकलेट। अब हम क्या करेंगे, हमारी क्रीम को माइक्रोवेव कर लेंगे, उसके बाद ही क्रीम चॉकलेट में डालेंगे, तो बन जाएगा हमारा गनाश। सो अब हमारी क्रीम गर्म हो चुकी है, अब हम ये क्रीम हमारी चॉकलेट में पोर कर देंगे। सो अभी हम बना रहे 2:1 गनाश। इसमें हमने 2 पार्ट चॉकलेट ली है और 1 पार्ट हमने ली है फ्रेश क्रीम। सो जैसे आप देख सकते हैं, हमारा स्मूद और सिल्की गनाश बन के रेडी है। सो अब हम बनाएंगे हमारा मूज। सो हमारा गनाश बन के रेडी है, इसे हम डालेंगे हमारी व्हिप्ड क्रीम के अंदर। ये मैंने चिल्ड व्हिप्ड क्रीम ली है और ये गनाश हमारा काइंड ऑफ रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम ये दोनों मिक्स करेंगे तो बनेगा हमारा चॉकलेट मूज। ये मैंने लिया है 1 teaspoon कॉफ़ी और ये मैंने लिया है 1 teaspoon वाटर। ये दोनों हम मिक्स कर देंगे और हम इसे माइक्रोवेव करेंगे 5 to 10 seconds के लिए, जब तक हमारा कॉफ़ी एक्टिवेट हो जाए। फिर ये मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहो तो गनाश बनाते टाइम जब क्रीम गर्म कर रहे हो तब उसमें कॉफ़ी डाल दो। मैं डालना भूल गया था, इसके लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। सो अब हमारा कॉफ़ी वाला मिक्सचर माइक्रोवेव होके रेडी है। सो आपको इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है, उसके बाद इसमें डालना, नहीं तो क्रीम ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी। सो अब ये ज़्यादा गर्म नहीं है, ये मिक्सचर में हमारे क्रीम वाले मिक्सचर में डाल दूंगा और हम इसे मिक्स कर लेंगे। सो हमारा मूज बन के रेडी है। अब हमारा मूज हम आइसिंग बैग में भर लेंगे। इसके लिए मैंने प्लेन राउंड टिप नोज़ल लिया है। अब ये नोज़ल हम हमारे आइसिंग बैग में डाल देंगे। आइसिंग बैग में डालने के बाद आप आगे से ऐसे पिंच करोगे और आपको नोज़ल पकड़ के रखना है, फिर हम इसे कट करेंगे। सो हमें जितनी कैविटी चाहिए उतनी बाहर आ जाएगी। अब हमें हाथों में इसे होल्ड करना है कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें भरेंगे हमारा मूज क्रीम और हम इसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, सो हमारी मूज क्रीम रेडी है। सो अभी हमारा मूज रेडी है और मैंने ऑलरेडी स्पॉन्ज बेक करके रखा है। ये स्पॉन्ज को मैंने ग्लास के हिसाब से कट कर दिया। ये ग्लास का नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन सेम है, सो वो हिसाब से मैंने ऐसे राउंड डिस्क कट कर लिए हैं स्पॉन्ज में से, और सेंटर के लिए मैंने उससे थोड़े बड़े से राउंड केक स्पॉन्ज कट कर लिए हैं। सो अभी हम हमारी असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग करने के लिए हमें चाहिए स्पॉन्ज, हमने जो ये मूज बनाया वो मूज, चोको चिप्स या आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, और ये मैंने शुगर सिरप बनाया है, 150 ml वाटर, 1 टेबलस्पून शुगर, 1/2 teaspoon कॉफ़ी और 1/2 teaspoon वनीला एसेंस मिक्स करके। सब चीज़ें साथ में बॉईल करके मैंने ठंडी करके ले ली है। सो अब हम हमारे ग्लास में असेंबली स्टार्ट करेंगे। सो ये मैंने ग्लास ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा स्पॉन्ज। सो ये डायरेक्टली तो इसमें जाएगा नहीं, तो थोड़ा सा हमें इसको क्रॉस करते हुए ऐसे नीचे जाने देना है। अब हम इसे शुगर सिरप की हेल्प से सोक कर देंगे। ओके, सो अब हमने इसे अच्छे से सोक कर दिया है। अब हम हमारी क्रीम की लेयर इसके ऊपर डालेंगे। सो क्रीम हमने इसके ऊपर डाल दी है, अब हम इसके ऊपर डालेंगे चोको चिप्स।
सो अब मैं डालूंगा हमारी सेकेंड स्पॉन्ज की लेयर। ये इसे पूरा नहीं जाएगा तो मैं इसे दो पार्ट में तोड़ के डाल रहा हूँ। अब हम इसे सोक कर लेंगे। ओके, अभी हम इसमें डालेंगे लेयर ऑफ क्रीम। और उसके ऊपर जाएंगे लेयर ऑफ चोको चिप्स। अब हम रखेंगे इसके ऊपर हमारा लास्ट लेयर। और हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे क्रीम। अभी हम एक पैलेट नाइफ की हेल्प से इसे स्मूथ कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर नटेला ड्रिजल कर दूंगा। सो अब हमें नोजल को क्लीन कर देना है साइड से। अब हम इसी नोजल की हेल्प से इसमें डिजाइन करेंगे। जस्ट आपको ऐसे घुमाते हुए इतनी हाइट दे देनी है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे हमारा एक चॉकलेट। और हमारा शॉट ग्लास डेजर्ट बनके रेडी है। सो ऐसे ही हम बाकी के हमारे ग्लासेस प्रिपेयर कर लेंगे। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने घर पे ट्राई करिए। हमें इंस्टाग्राम पे टैग करें। मेरे इंस्टा की डिटेल सारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो जल्दी से ट्राई करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करिए। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसे नए नए डेजर्ट्स और रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।